शान्ति ही शांति ही, शांति ही। वैदिक जीवन पद्धति किस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है निरंतरता के साथ हम नित्य नवीन वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जान गंगा में अपने आप को परिष्कृत कर रहे हैं हमारे निज जीवन से लेकर के संसार के लोकोपकार के लिए जो कर्तव्य कर्म हैं उन कर्तव्य कर्मों का निर्वहन हम किस प्रकार से करें जिससे मेरा तो निर्माण मेरा तो उद्धार हो ही परिष्कार हो इस संसार के लिए भी मैं कुछ कर पाऊं ऐसी जो दिव्य भावना है जो विवेकपूर्ण कर्तव्य हैं उनको हम करें ऐसी शिक्षा दीक्षा ऐसा ज्ञान विज्ञान इस वेद रूपी जो सागर है ज्ञान का सागर है क्योंकि वेदों अखिलो धर्म मूलम कहा है वेद सब प्रकार के कर्तव्यों का उपदिष्टा है उपदेश करने वाला है और वह परम पिता परमेश्वर की वाणी है इस प्रकार से यदि हम जैसा सुनते हैं विचार करते हैं वैसा जीने का यदि प्रयास करते हैं तो निसंदेह है। हम कभी भी विचलित नहीं होंगे छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे कर्तव्यों में वो विचलन की जो स्थिति होती है जो विचार हमारे अंदर आकर के हमारे गुणकर्म स्वभाव का परिष्कार कर दे जो कुसंस्कार है उसको सुसंस्कार में परिवर्तित कर दे तो वही वास्तव में ज्ञान है विज्ञान है और जो कुविचार आता है जो हमको कर्मों से विमुख कर देता है हमको अच्छे सच्चे कर्तव्य के पालन से विपरीत स्थिति में ले जाकर के छोड़ देता है तो वहां पर हमारे अंदर कुसंस्कार और हमारे अंदर का जो देवत्व तो है उसको क्षीण करने का वो कार्य करता है हम सच्चे प्रभु का स्मरण करें सच्ची जो कर्मशीलता है जो कर्म हमारे लिए सुनिश्चित किया है उस ईश्वर ने उन कर्मों से यदि हम उस प्रभु की भक्ति करते हैं उसको समर्पित करते हुए इन कर्मों को यदि हम भक्ति करते हैं उसकी तो निसंदेह है इससे बढ़कर के और कोई भक्ति नहीं हो सकती है जो कुछ भी मैं कर्तव्य कर रहा हूं इस संसार में उसी को समर्पित करते चलो तो आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के एक सौ में सूक्त के दूसरे मंत्र की चर्चा आज आपके सामने करेंगे पहले इस वेद मंत्र को मैं लिख देता हूं फिर चर्चा करता हूं ओम ददान मिन्ना दद भंत मन मागनिम वरुथम मन मग्निवरूथ मम चाकन Душанта, высванье сте. कर्मों पर स्तुतिम्, भर माणस से हो ॐ ददामिन्ना ददभन्तमन्माग्निर्वरुथं मम तस्य चाकन् जुषन्तविश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भर्माणस्य कारुः ओ ददानमिन् ददभन्तमन्माग्निवरूथं मम तस्य चाकन् जो शान्ता विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमानस्य कारोहो ओम ददानमिन्ना ददभंतमन्माग्निवरूथम ममातस्य चाकन जो शान्ता विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमानस्य कारोहो आइए इस वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं जैसे इसके पहले जो पहला मंत्र इस सूक्त का था एक सौ का तो वहां प्रभु मंथन वहां ये चर्चा की थी कि इंद्रियों को मन में प्रविष्ट करने वाला प्राण साधक पुरुष वह होता है विश्व रूप विश्व देव प्रभु का दर्शन करता है वे प्रभु उसे आकाश प्राप्त करा के उसके जीवन में सद्गुणों के बीज का वपन करते हैं अर्थात प्रभु की ही विशेष कृपा दृष्टि से हमारे अंदर का सामर्थ्य बढ़ता है हम सदकर्मों के लिए सदगुणों से युक्त तो हो जाते हैं और इस प्रकार से जो यात्री इस संसार यात्रा में आगे बढ़ता है तो उस पुरुष को क्या कहा ददानम अर्थात सब कुछ देने वाले प्रभु को इत निश्चय से नद भनता हिंसित नहीं करते अर्थात अपने जीवन में प्रभु का विस्मरण नहीं करते प्रातः सायम अवश्य ही उस प्रभु का ध्यान करते हैं वस्तुतः इस संसार का जो व्यापार है इस व्यापार को जो वैरागी व्यक्ति है जिसको वैराग्य है वो इस संसार को आसार समझता है आसार संसार जो व्यक्ति इसके लिए आकर्षित है जिसको आसक्ति है उसको संसार में सार नजर आता है और जो मध्यम ज्ञानी है वो तो संसार उसको नजर आता है तो इस प्रकार से यदि हम अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति यदि हम करना चाहते हैं तो हम प्रभु का स्मरण प्रभु की भक्ति प्रभु का सुमिरन कभी भी ना भूलें क्योंकि उससे हमको जहां हमको जाना है जो हमारा गंतव्य है जो हमारा लक्ष्य है वहां तक हम पहुंच पाते हैं इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है तो प्रभु का जो ध्यान करने वाले तस्य उस मम मेरे वरुथम आच्छादन व रक्षण साधन के रूप में बने हुए मन स्तोत्र को अग्नि अग्नि प्रभु चाकन चाहते हैं मेरे द्वारा किए जाने वाला जो स्त्रोत्र मुझे प्रभु का प्रिय बनाता है और यह मेरा कवच बनता है यह मुझे वासनाओं के आक्रमण से बचाता है अससे इस कर्मोपस्तुतिम कर्तव्य कर्मों के करने से प्रभु की क्रियात्मक स्तुति को भर से धारण करने वाले कारोह कुशल कर्मशील पुरुष के विश्वानी सब स्तोत्र जो मनम जो संता प्रभु का प्रीति पूर्वक करते हैं अकर्मण्य और जो जो निठल्ले लोग हैं जो केवल वाणी का उच्चारण करने वाले पुरुष प्रभु के प्रिय नहीं होते हैं तो कहने का आशय क्या है कि जो कुछ भी हम इन वेद मंत्रों से समझते हैं सीखते हैं जानते हैं उनसे हमारे अंदर कर्तव्य पारायणता का भाव जागृत होता है और कर्तव्य पारायणता से युक्त होकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है वह लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है जिसने जीवन में लक्ष्य ही नहीं बनाया है जिसने जीवन का कोई जो प्राप्त चीज है प्राप्त करने के योग्य है उसको वह प्राप्त नहीं करना चाहता है अथवा किसी के पूछने पर कि आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है तो वो बोले कि अभी तो हमने कुछ विचार नहीं किया कोई व्यक्ति सफर कर रहा है प्लेन में ट्रेन में या किसी भी साधन से और कोई उससे उसका सहयात्री पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं अगर वह बोलता है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अभी हमने विचार नहीं किया कहां जा रहे हैं तो उसको कोई भी पुरुष नहीं कहेंगे कोई भी उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे क्योंकि यात्रा हम जब कर रहे हैं तो कहाँ उतरना है कहां तक की यात्रा हमको करनी है यह विचार हम यात्रा करने से पहले ही मन में बिठा लेते हैं इसलिए इस जीवन को पाया है हमने इसके लिए क्या कर्तव्य है इस जीवन को पाकर के हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं उनको किस प्रकार से संपन्न करें यह अत्यंत महत्वपूर्ण है माता पिता गुरु आचार्य पुत्र पुत्री बेटा बेटी युवक युवती वृद्ध नौजवान जो कुछ भी हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं और इन कर्तव्यों को करते-करते चाहे कोई पति का रूप हो या पत्नी का रूप हो चाहे कोई गुरु का रूप हो या शिष्य का रूप हो चाहे कोई राजा का रूप हो या प्रजा का रूप हो हर प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन निर्द्वंदु निरहंकार भाव से जो करते हैं और कर्मों से उस प्रभु को तृप्त करते हैं अर्थात जिसके लिए परमात्मा ने हमको भेजा है इस संसार में उन कर्तव्यों को हम निभाने का प्रयास करें ऐसा प्रयास करने पर व्यक्ति निराश नहीं होता है हताश नहीं होता है और प्रभु का प्रिय बन जाता है सच्चा प्रभु भक्त बन जाता है और जिसके जीवन में कर्तव्य पारणता नहीं है जो निठल्ले रहते हैं जो अपने कर्तव्यों को बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं वो उनका जीवन पशु से भी नीचे की स्थिति में आ जाता है धन कमाना परिवार चलाना धन साधन के रूप में प्रयोग करना यह एक कर्तव्य है अनेक कर्तव्यों में एक कर्तव्य है कि धनोपार्जन करना तो धनोपार्जन के लिए जो व्यक्ति धर्म पूर्वक इसको करता है बेईमानी नहीं करता है कपट नहीं करता है किसी का हक नहीं छीनता है किसी को सताता नहीं है धन के लिए तो उसका धन धर्मयुक्त हो करके उसकी आत्मिक उन्नति जरूर कराता है भौतिक उन्नति भी होगी और आत्मिक उन्नति होगी लेकिन यदि किसी का धन का इतना भूत सवार हो गया कमाने के लिए धनाड बनने का जिसके अंदर भूत सवार है और वह दूसरों की हिंसा करता है चोरी करता है लूट घसोट करता है तो इससे धन तो आ जाएगा लेकिन धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कुछ का वक्त आएगा पत्नी भी तेरा साथ देगी तक, मित्र गण, के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी बाद में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा तो धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करने वाला व्यक्ति प्रभु का सच्चा भक्त होता है उसको किसी प्रकार की कोई लालच कोई उसको लोभ सताता नहीं है उसको कभी भी अपने पथ से, अपने कर्तव्य से गिराता नहीं है इसलिए हम विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थीपन में अपने जीवन को अच्छा जीए यदि गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी में अपने कर्तव्य का अच्छा पालन करें धन भी कमाएं, तो धर्म पूर्वक कमाएं दूसरों के धन की कभी लालच नहीं करनी चाहिए माँ गृधा कस्य स्वीधनम और कहा है कि धन की लालच व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है पापी बना देता है इसलिए धन का और इस साधन का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कभी लालच नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से आचार्य शंकर भी लिखते हैं मूढ़ जही ही धन गम कुरु साध बुद्धि मनसि वित्रिष्णां निज कर्मो पातम वितम तेन विनोदय चितम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ कर्तव्य युक्त होकर के अपने सदकर्मों को करते करते जो भी धन हमको अर्जित हो जाए हमको प्राप्त हो जाए उसी से अपने जीवन को चलाना चाहिए उसी में अपने चित्त को रमाना चाहिए उसी में प्रसन्न वदन हो करके कर्म करना चाहिए यहाँ पर कहा कि हे मूर्ख जो दूसरों की धन की इच्छा करते हैं धन प्राप्ति की जो तृष्णा उसको छोड़ दीजिए अपने मन को वासनाओं से रहित कर दीजिए अपने चित्त को प्रसन्न रखो अर्थात उस परम पिता परमेश्वर में ध्यान को लगा करके के परम संतोष के साथ धनार्जन करो और उसी में अपने आप को पूर्ण संतुष्ट रखो क्योंकि जो तुष्ट होता है संतुष्ट होता है वह दूसरों को भी संतुष्ट रखता है कभी भी स्वयं न कष्ट में रहता है न दूसरों को कष्ट देता है तो यहाँ कारो शब्द जो आया है वेद मंत्र में से कारो हो जो कर्तव्य में अपने आप को लगा करके धारण करने वाले कुशल कर्मशील पुरुष के जो से कार जो ये कारो शब्द है कुशलता से कर्म की कुशलता कर्मशील यह कर्म की प्रधानता वाला जो प्राणी है वो मनुष्य है कर्म प्रधान विश्व रचिरा जो जस सो तस फल चाखा सकल है कर्महीन नर पावत नाही तो कर्म की प्रधानता है हमारे लिए और हम कर्म करते रहें कर्म में कभी भी अपने आप को पीछे न करें और कर्म करते हुए कभी भी यह नहीं मन में रखना चाहिए कि नहीं आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे इसलिए आज ही करना है काल करे सो आज कर आज करे सो अब काल करे सो आज कर आज करें सो अब पल में होएगी बहुरी करोगे कब रे कविरा बहुरी करोगे कब कुछ लोग कर्तव्य पारायणता में आलस्य प्रमाद करते हैं और थोड़ी देर का कार्य होता है थोड़ा सा वह कर्म में रुचि रखे तो क्षणिक कार्य होता लेकिन वो आलस में प्रमाद में करते नहीं है टालते रहते हैं टालते रहते हैं लेकिन यह जीवन तो नश्वर है पता नहीं कब नष्ट हो जाए तो इसलिए कहा है कि शुभस्य शीघ्रम से कालहारी हम जितनी जल्दी हो सके अच्छे कर्मों को करने में तत्पर रहें कभी भी उससे जीना चुराएं महाभारत का बहुत ही सुंदर एक श्लोक है कर्तव्यपार्णता कर्तव्य हमको करने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए कहा स्वकर्म अद्य कुर्बित पूर्वाहणे चा पराणिकम नहीं प्रतिक्षते मृत्यु कृतमस्येनावाक्रितम जो कल करना सो आज कर जो दोपहर में करना उसे दोपहर से पूर्व कर मौत का इंतजार नहीं मौत हमारा बिल्कुल जो है सिर पकड़ करके रखती है पता नहीं किस समय इसका जीवन का समय पूरा हो जाए और वह यह मृत्यु नहीं चाहती कि तुम चलो अच्छा कार्य कर लो फिर तुमको ले चलूंगी जब उसका समय पूरा होगा क्षण लेगी इसलिए कर्म को करते करते इस मर्म को समझना है इस स्वधर्म को समझना है और इस स्वधर्म को जो समझता है वही व्यक्ति जीवन में उन्नति पाता है और प्रभु का प्रिय होता है प्रभु का सच्चा भक्त होता है इसलिए गलत कर्म ना करें कभी भी बेईमानी ना करें अधर्म ना करें कोई भी कर्तव्य करना है कर्तव्य में छल कपट नहीं करना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं क्या करें जी कर्तव्य में झूठ बोलना पड़ता है व्यापार करना है तो झूठ बोलना पड़ेगा परिवार चलाना है तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है वो जमाना चला गया लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए जिनके लिए आप झूठ बोल रहे हैं जिनके लिए दूसरों से छल कपट कर रहे हैं क्या उनको छल कपट पसंद है जिस पत्नी के लिए आप दूसरों से झूठ बोलते हैं क्या वो पत्नी आप जब उससे झूठ बोलेंगे वो कभी उसको पसंद करेगी नहीं करेगी जो पत्नी दूसरों से झूठ बोलती है वही पत्नी पति से झूठ बोले तो पति को यह कभी भी स्वीकार नहीं होगा माता पिता यदि बच्चों से झूठ बोले तो बच्चों को स्वीकार नहीं होगा बच्चे माता पिता से झूठ बोले तो उनको स्वीकार नहीं होगा चोर चोरी करते हैं झूठ बोलते हैं लेकिन वही चोर जब मित्र होते हैं चोर चोर मौसेरे भाई बोलते हैं वो नहीं चाहते कि मेरा मित्र मुझसे झूठ बोले तो झूठ तो अस्वाभाविक है छल कपट अस्वाभाविक है हम धर्म पूर्वक जब जीवन का निर्वहन करते हैं यह स्वाभाविक है इसलिए कहा है कहीं झूठ तो कहीं छल कहीं झूठ तो कहीं छल मानव चोला फिर न मिलेगा इन बत्तियों से टल कहीं झूठ तो कहीं चल मिलके रहेगा इस दुनिया में सब कर्मों का फल कहीं झूठ तो कहीं चल राम राम मुख में बगल में छुरी लिए फिरता जो गिरता सबको गिराता अंत वही गिरता पांव में ठोकर अवश्य लगेगी आज नहीं तो कल कहीं झूठ तो कहीं चल मिट्टी मिला आटा दूध में मिले यहाँ पानी हर एक वस्तु में मिलावट करे करते बेईमानी जिसने किया है वही भरेगा एक दिन यहां निष्नियम अटल कहीं झूठ तो कहीं चल बुरे का मुंह काला भले का अंत भला कहते कहने वालों ने कहा है सत्य में वजह ते चमक उठेगा जीवन तेरा कर्तव्य पथ पर चल चमक उठेगा जीवन तेरा धर्म की राह पे चल कहीं झूठ तो कहीं चल कहीं झूठ तो कहीं छल ऋषि योगी सभी ने तुझे बहुत समझाया गजब है तू फिर भी अभी तक समझ नहीं पाया कब समझेगा जब निकलेंगे थिक तुम्हारे बल कहीं झूठ तो कहीं छल कहीं झूठ तो कहीं छल मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से टल कहीं झूठ तो कहीं छल कहीं झूठ तो कहीं छल कहीं झूठ तो कहीं छल तो ओम शांति शांति ही शांति ही